किसी चीज की कमी थोड़ी थी। राहुल गांधी में वो जज्बा है, वो चल रहे हैं। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री को चल के दिखावे, गृह मंत्री को चल के तो दिखावे। दम होना चाहिए, चलने का जिगरा होना चाहिए। भिखारी नहीं थे, चाय पीने वाले नहीं थे, ये जनता कहती है, मैं नहीं कहती हूँ। वो तो राजा के घर के हैं, वो तो हमारे मुद्दे को लेकर के लड़ रहे हैं। वो तो सूर्य से पालने में सोए हैं। ये तो चाय वाले थे कि हम 10 करोड़ का सूट पहनते हैं। इनका इनका लेखा जोखा लिया जाए, राहुल गांधी का लेखा जोखा न लिया। महंगाई से भारत को तोड़ा, बेरोजगारी से भारत को तोड़ा, धर्म के नाम पे भारत को तोड़ा। तो आज जो हमारा भारत जोड़ों का एक सपना है, पूरा होने जा रहा है। तो जी, मैं केडी द्विवेदी हूँ, किसान कांग्रेस से। और भारत यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा है ना, पूरे देश में इस तरह से चलेगी। अभी तो किसान भी चलेगा, मजदूर भी चलेगा, नौजवान भी चलेगा। अच्छा। जिस तरह से मोदी जी ने बेरोजगारी से भारत को तोड़ा, जिस तरह से मोदी जी ने धर्म के नाम पे भारत को तोड़ा, जिस तरह से मोदी जी ने हमारी महिलाओं पे, अभी भी देखो, अभी यहाँ यूपी का कांड लखीमपुर खीरी का हुआ है, हमारे महिलाओं के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। तो हर जगह पब्लिक हताश गई है, इनकी महंगाई से हमारे भारत को तोड़ा। तो इस तरह से पब्लिक बिल्कुल हताश हो गई है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा अखंड भारत है, वो अखंड भारत रहे। जिस तरह से इनको बॉर्डर पर आकर के कब्जा कर लिया, चीन के बॉर्डर पर आकर चीन आ गया, हाँ, इंडिया के बॉर्डर पर। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आपसे पूछना चाहूंगी, भारत अलग कब था? भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है ना। देखो, मैं बता तो रही हूँ ना, महंगाई से भारत को तोड़ा, बेरोजगारी से भारत को तोड़ा, धर्म के नाम पे भारत को तोड़ा। तो आज जो हमारा भारत जोड़ो का एक सपना है, पूरा होने जा रहा है। तो विपक्षियों में खलबली कैसी। अभी तक राहुल जी को कहते थे राहुल जी कुछ नहीं करते, आज राहुल जी ने वो जलवा दिखा दिया। राहुल जी ने वो जलवा दिखा दिया कि आज आप भी देख रहे हो, लाइव भी देख रहे हो कि जनता उनसे मिलने के लिए, उनके साथ जुड़ने के लिए बेतहाशा से जो है इंतजार कर रही है। सवाल भी तो उठ रहे हैं लगातार, टी शर्ट पे सवाल उठ रहा है, कंटेनर्स पे सवाल उठ रहा है। देखो, हमारा तो कोई बात नहीं है, वो तो राजा है, वो कोई भिखारी नहीं थे, चाय पीने वाले नहीं थे, ये जनता कहती है, मैं नहीं कहती हूँ। वो तो राजा के घर के हैं, वो तो हमारे मुद्दे को लेकर के लड़ रहे हैं। वो तो सूर्य से पालने में सोए हैं। ये तो चाय वाले थे कि हम 10 करोड़ का सूट पहनते हैं। इनका इनका लेखा जोखा लिया जाए, राहुल गांधी का लेखा जोखा न लिया। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना। राहुल जी ना करें तो बदनाम करें, करें तो बदनाम करें। बहरहाल, देश की जनता जाग गई है और वो सपना दूर नहीं जब भारत फिर से सोनी की चिड़िया कहलाएगी। अच्छा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में लगातार जो दिक्कतें आ रही है, पैरों में छाले पड़ रहे हैं लोगों के। देखो, जो हमारे भारत यात्री गए हैं 117 लोग, अब देखो 3570 किलोमीटर की यात्रा है, तो छाले तो पड़ेंगे ही, छाले पड़ेंगे, लेकिन कदम नहीं रुकेंगे। एक कदम तुम्हारा, एक कदम हमारा, तो जुड़ जाए भारत सारा। ये सपना है हम सबका, और हम सब, हम ही नहीं, देश के किसान जोड़ेगा, मजदूर जोड़ेगा, नौजवान जोड़ेगा, ये देश संपूर्ण भारत बनेगा, अखंड भारत बनेगा। करूँ पाकिस्तान से, देश हमारा है तो हम पाकिस्तान क्यों जाए भाई? गांधी जी ने किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने किया, अब वहाँ से हमको कन्याकुमारी से कश्मीर आना है। पहले लोग कश्मीर से कन्याकुमारी जाते थे, हमारा है कि हम उधर से कोऑर्डिनेट करते हुए कश्मीर आ रहे हैं, तो इसमें एक दिक्कत क्यों है? देखो, विपक्षी लोग क्या है ना, राहुल जी को सिर्फ निशाना बनाते हैं। क्यों डरते हो राहुल गांधी से? 24 घंटा राम नाम का माला लेकर जपना चाहिए, तो तुम लोग राहुल 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 करते रहते, इसलिए तुम डरते हो। और क्या, स्मृति ईरानी का तो बयान आपने भी सुना होगा ना, उन्होंने किस तरीके से राहुल गांधी पे टंच कसते हुए कहा था। तो वो तो वीडियो भी चला होगा, देखा नहीं विवेकानंद को? तो इन लोग झूठ फैलाने में माहिर हैं। राहुल जी के कभी वीडियो एडिट कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, हीरा हीरा है, पहचाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन लोग पहचान गए, आज देश की आवाज राहुल गांधी है। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, राहुल गांधी को लॉन्च किया जा रहा है। राहुल गांधी कब से लॉन्च नहीं है? राहुल गांधी तो हमेशा लॉन्च है, पहले भी वो प्रधानमंत्री बन जाते, उन्हें किसी चीज की कमी थोड़ी थी। राहुल गांधी में वो जज्बा है, वो चल रहे हैं। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री को चल के दिखावे, गृह मंत्री को चल के तो दिखावे। दम होना चाहिए, चलने का जिगरा होना चाहिए। 2024 में कौन हारेगा ये तो समय बताएगा। उनके, राहुल गांधी जी के साथ बेरोजगार जुड़ रहा है, जो इस महंगाई से मारा हुआ, जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, वो लोग जुड़ रहे हैं। आज हम लोगों का एक सुनहरा भारत गठन करने का, हम ही नहीं पूरे देश का ये मैटर है। इस मैटर पर पूरा देश एकजुट होकर के राहुल गांधी का साथ देगा। लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें जो लोग हैं, लेकिन उनको तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कौन सी दिक्कत? जो भारत यात्री है उनको कोई दिक्कत नहीं है। कंटेनर्स में इतनी सुविधाएं दी गई है, सवाल उठ रहे कि एसी कौन उसमें? तो लगेगा जब वहाँ गर्मी है तो हम अपने कमरे में सोते हैं, तो उसमें एसी नहीं रहता क्या? हम भी तो एसी में सोते हैं डेली, तो हमें वो सुविधा मिली है, हम कहाँ जाएंगे? जब हमको, अगर होटल में जाते वहाँ एसी होता ना, तो उसमें कौन सी दिक्कत आ गई? ये मैटर अगर उठाने से पहले बीजेपी वालों को सोचना चाहिए था कि मैं मैटर कौन सा उठा रहा हूँ, कौन सा उन जो ये राहुल गांधी पे इलेक्शन लगा रहे हैं, उल्टा उन्हीं के ऊपर तो आ रहा है। अच्छा। हाँ, और मैं आपके चैनल से आह्वान करना चाहती हूँ, हम मेरे भाइयों, मेरे देश के किसान भाइयों, आपसे आह्वान है कि आप 65% जो है देश में आप किसान हो, और राहुल गांधी जी का साथ दीजिए, और आपका हक और अधिकार कोई दिलाएगा, लीडर है तो राहुल गांधी है। आपको क्या लगता है इस यात्रा से जो महंगाई है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? सरकार बदलेगी 2024 में, महंगाई हम पुनः वहीं लाके, जहाँ से महंगाई बढ़ी थी वहीं लाके खड़ा करेंगे हम।
अच्छा, और क्या मतलब राहुल गांधी को पीएम का चेहरा मान नहीं है? वो राहुल गांधी हमारे जब बनना चाहेंगे पीएम कोई रोक सकता है क्या? आप अभी से क्यों घबरा रही हो? राहुल गांधी बनना चाहेंगे, उन्हें जाहिर करेंगे, अभी तो पार्टी का विचार है, वो बनते भी हैं कि नहीं बनते हैं ये भी तो फैसला है ना। लेकिन आप भारत जोड़ो यात्रा इधर कर रही है लेकिन वहाँ गुजरात बीच में छोड़ दिया, ऐसा क्यों? लेकिन कहाँ छूटा है, कोई गुजरात नहीं छूटा है, गुजरात भी जाएंगे, समय निकालेंगे, दीदी जाएंगी, चलेंगी, ये तो यात्रा में सबको सम्मिलित होने का समय है ना। कभी प्रियंका जी चलेंगे, कभी राहुल जी चलेंगे, वहाँ जाएंगे चुनाव में, ऐसी कोई बात नहीं। भारत जोड़ो यात्रा का गुजरात दूर दूर तक अब नहीं आ रहा है गुजरात, तो उस नक्शे में क्या करें? जैसे यात्रा आनी चाहिए वो आ रही है, तो हमें चुनाव के लिए रैली नहीं की है, हमने भारत जोड़ो के लिए 2024 के लिए तो की है ना। 2024 के लिए मैडम किया है, तो 2024 में जो इस महंगाई से, बेरोजगारी से, धर्म के नाम पे जो भारत टूटा है, हाँ। उसे जोड़ने के लिए हम काम कर रहे हैं, ना कि तोड़ने के लिए। तो गुजरात में भी तो कांग्रेस का वर्चस्व नहीं, तो गुजरात में कांग्रेस का वर्चस्व था, बीजेपी वहाँ नहीं कह सकता, बीजेपी है ना, तो हमारा जो प्लानिंग है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे लीडर है, हर स्टेट में वहाँ पर है, वो लोग काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो क्या राहुल गांधी जाएंगे तभी चुनाव जीतेंगे क्या? हम राहुल गांधी वहां जाएंगे तभी चुनाव जीतेंगे क्या? केजरीवाल जी वहां लगातार रैली कर रहे हैं, तो करने दो ना, हमारे लीडर सक्षम है वहां रैली करने के लिए, जो सीटें हमें मिलना होगी वो हमें मिलेगी। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि जहां चुनाव होते वहां नहीं जाते, जहां चुनाव नहीं होते वहां जा रहे हैं। ये आप फिर मुद्दे से भटका रही है मैडम, मुद्दा दूसरा है, ये है भारत जोड़ो का सपना। भारत जोड़ो में भी तो गुजरात छोड़ दिया है, गुजरात में जाएंगे ना, बोल रही हूँ ना, गुजरात में जाएंगे, वो गुजरात में जाएंगे, ये नहीं है कि 24 घंटा जो है कि वो यात्रा में रहेंगे, कुछ समय निकालेंगे, गुजरात में जाएंगे, रैली करेंगे, ये गलत फहमी में मत रहे बीजेपी। जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें लगातार 25 किलोमीटर रोज चल रहे हैं, तो चलना पड़ेगा। अच्छा, 25 किलो आप भी चलो, मैं आपका जो है रिजर्वेशन करा देती हूँ, आप भी कोऑर्डिनेट कर गया यात्रा को। अच्छा, ऐसी क्या बात है? आप भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, आपके जो वरिष्ठ नेता कुछ दिन पहले आपकी पार्टी छोड़ चुके हैं, गुलाम नबी आजाद जी, पहले कांग्रेस जोड़ ले फिर वो भारत जोड़े। देखिए यहाँ पर जो मलाई खा करके तो सब भाग जाते हैं, कांग्रेस में मलाई खाने आते हैं, जब पेट भर जाता है ना तो सब भाग जाते हैं, तो इन लोग तो ऐसे ऊट पटांग जोड़ेंगे। कांग्रेस कब नहीं जुड़ी थी, आज राहुल, आज कांग्रेस कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पे हैं और आम नौजवान, आम इंसान सब राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, तो कांग्रेस ऐसी पार्टी है उसके विचारधारा से सब जुड़े हैं। और अभी ये उत्तर भारत और गोवा में किस तरीके से कई विधायक ने देखिए, देखो अब राहुल जी तो वहाँ हैं, गोवा में क्या हो रहा है, जिसको सत्ता चाहिए मलाई चाहिए, कौन किसी को रोक पाता है? यहाँ बाप बेटे को नहीं रोक पाता है, ये तो सत्ता की बात है जी। अच्छा, हाँ, लेकिन गोवा में जिस तरीके से इधर से उधर अब उथल पुथल चल रही है, देखो उथल पुथल हर जगह चलती रहती है जी, मैं कहती हूँ जिसको मलाई खाना है, सत्ता जो जब मैं कह रही हूँ ना कि बेटा जो है बाप का नहीं होता, ये तो पार्टी है, यहाँ पर तो बड़े बड़े नेताओं को देखा हो मलाई खा करके और उसी पत्तल में खाते उसी में छेद करके चले जाते हैं, बुराई करते हैं, तो राजनीतिक दौर है, इसमें आप कटाक्ष मत करिए। कहा जा रहा था जो बीजेपी वाले कुछ लोग हैं या फिर बीजेपी वाले ही कह लूं सीधे, कह रहे थे कि राहुल गांधी को पप्पू के नाम से नवाजा गया था और भी कई ऐसे सब हैं। देखो पप्पू तो किसके घर में नहीं है, हमारे घर में भी पप्पू है, तो पप्पू तो एक प्यारा सा नाम है, वो तो उसके लिए जो बीजेपी है पप्पू वो तो पप्पू नहीं, वो सबका बाप है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पप्पू नहीं है सबका बाप है, खलबली मच गई है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। अच्छा, जी क्या कहना चाहेंगे जो इस यात्रा में लोग हैं उनसे? मैं कहना चाहती हूँ कि आप हिम्मत मत हारिए मेरे नौजवानों, अगर आप भारत यात्री बने हो तो हिम्मत मत हारिए, वो समय दूर नहीं है जब हम परचम लहराएंगे और ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है और इसमें जोर शोर से लड़िए और राहुल गांधी का सहयोग करिए, तब जा करके अखंड भारत का सपना पूरा होगा, जुड़े कदम हमारा तुम्हारा तो जुड़ जाए भारत सारा। जय हिंद।